राधिका मर्चेंट आज ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इसकी वजह भी बेहद खास है। जी हाँ, राधिका मर्चेंट बहुत ही जल्द एशिया के सबसे अमीर अंबानी परिवार की बहू बनने जा रही हैं। राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर हैं। आज पूरा देश इन्हें अंबानी परिवार की होने वाली बहू के रूप में ही जानता है। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर राधिका मर्चेंट है कौन जिन्हें अंबानी परिवार ने अपनी बहू चुना है। राधिका मर्चेंट वीरेन मर्चेंट की बेटी है जो कि एनकोर हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ हैं। उनकी मां का नाम है शैला मर्चेंट। 18 दिसंबर 1994 को मुंबई में ही राधिका का जन्म हुआ। हालांकि वो मूल रूप से गुजरात के कच्छ की रहने वाली हैं। राधिका मर्चेंट ने अपनी शिक्षा मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल से पूरी की है। इसके बाद राधिका ने बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल से अपना आईबी डिप्लोमा पूरा किया। बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से राजनीति और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधिका भारत वापस आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने राधिका ने भारत आते ही एक लीडिंग रियल इस्टेट फर्म में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि राधिका और अनंत बचपन के दोस्त हैं। राधिका को किताबें पढ़ना, ट्रैकिंग और स्विमिंग का शौक है। राधिका एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। हाल ही में अंबानी परिवार ने जियो वर्ल्ड सेंटर में अपनी होने वाली छोटी बहू राधिका मर्चेंट की अरंगेत्रम सेरेमनी आयोजित की थी। पूरे अंबानी परिवार के साथ बॉलीवुड के बड़े सितारों ने इस आयोजन में शिरकत की थी। साल 2018 के जून महीने में जब श्लोका मेहता और आकाश अंबानी की सगाई हुई थी, उस समय शाहरुख खान ने अनंत से पूछा था कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उस वक्त राधिका अनंत के साथ स्टेज पर ही खड़ी थी। शाहरुख ने इस दौरान अनंत का फोन भी चेक किया था ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उसमें राधिका का नंबर है। शाहरुख तो अनंत को छेड़ रहे थे और उनके मुंह से राधिका का नाम उगलवाना चाहते थे। हालांकि अनंत ने राधिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने ये जरूर जाहिर कर दिया था कि राधिका उनके लिए बेहद स्पेशल है और अब ये स्पेशल कपल हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामने को तैयार है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल।